हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं खड़ा हूँ दुबई के एक ऐसे महंगे शहर में जिस शहर का नाम अबू हील है, और मैं अबू हील के मुरक्काबाद रोड पे खड़ा हूँ। आप आज मैं लेके चलता हूँ आपको डेरा सिटी में, मॉल में, और वहाँ जाके करूँगा शॉपिंग और आपको भी दिखाऊँगा। तो मैं हर वीडियो में अपने एक क्लॉक टावर का नाम लेता हूँ, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसका नाम क्लॉक टावर है। ये क्लॉक टावर नाम से एरिया मशहूर है गाइस। सो गाइस, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ डेरा सिटी सेंटर के एक मॉल में, और वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा मॉल के बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे। और आप हम देख सकते हैं बेहतरीन लोकेशन है यहाँ का, अच्छा लोकेशन है और अच्छा बिल्डिंग कलेक्शन है यहाँ का काफ़ी। गाइस, अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, ये अबू हील का पार्किंग एरिया है। और दुबई की सबसे ख़ास बात ये है गाइस, क्योंकि बिल्डिंगों में इतना ज़्यादा स्पेस है ताकि हर एक बिल्डिंग की एक एक अलग अलग पार्किंग है। और इन दुबई गवर्नमेंट ने इसके अलावा पार्किंग अलग अलग सेक्टर के हिसाब से काफ़ी सारी पार्किंग मुल्क में बना रखी है, ताकि किसी को भी अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं पार्किंग और जगह नहीं करने जाना पड़े। हर बिल्डिंग के साथ साथ एक एक पार्किंग दे रखी है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर हम यहाँ की लोकेशन की बात करें तो यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। बिल्डिंग कलेक्शन इतना बेहतरीन बिल्डिंग कलेक्शन है, यहाँ देखने के बाद ऐसा लगता है कि सिटी को छोड़ने का दिल नहीं करता गाइस। गाइस, आज आपको लेकर चलते हैं एक मेट्रो स्टेशन के अंदर से। ये मेट्रो स्टेशन है जिसके अंदर अभी मैं एंटर होने वाला हूँ। ये अबू हील का मेट्रो स्टेशन है। अभी हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और यहाँ काफ़ी अंधेरा है। और मैं अभी गाइस आ चुका हूँ डेरा सिटी मॉल में। काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा है और मैं अभी मॉल के अंदर हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं ये मॉल का नज़ारा। गाइस, आप देख सकते हैं बेहतरीन मॉल है, अप डाउन सिस्टम्स के साथ। यहाँ का ऊपर का नज़ारा, मॉल का नज़ारा ही देखने काबिल है, इतना बेहतरीन ये मॉल बना है। वाकई बहुत खूबसूरत है ये गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है ये मॉल का डिज़ाइन मेंटेन किया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन दुकानें हैं यहाँ पे, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ का कलेक्शन है कपड़ों का डिज़ाइन, और काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे। आपको दिखाते हैं एक एक करके, और काफ़ी बड़ा मॉल है। और अगर इस यहाँ घूमने की बात की जाए तो इसे यहाँ पूरे दिन में आप ये मॉल को नहीं घूम सकते। तो अभी आपको एक एक करके दो तीन दुकानें दिखाते हैं, दो तीन शॉप, दो तीन अंदर बड़ी बड़ी शॉप दिखाते हैं, कैरीफोर के को दिखाते हैं गाइस, कैरीफोर के मार्केट्स को दिखाते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं आप एक लेडीज़ अपने लिए कुछ सूट्स वगैरह खरीद रही हैं, और ये लेडीज़ मार्केट है। और इधर अगर बात की जाए, काफ़ी बड़ा ये मॉल है गाइस, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई आता है यहाँ पे। सो गाइस, अभी आपको लेके चलते हैं एक इस मॉल के कैरीफोर मार्केट के अंदर, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कैरीफोर के बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे। और वहाँ पे कुछ शॉप्स बेहतरीन हैं, मोबाइल की शॉप्स हैं, काफ़ी सूट की शॉप्स हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं, तो आपको दिखाते हैं उन सबको आज इस ब्लॉग में। तो बने रहें, ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। अभी आपको लेकर चलते हैं इस पीछे वाले मार्केट में, और इसका नाम कैरीफोर मार्केट है, और काफ़ी बड़ा मार्केट है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और ये काफ़ी फ्लोर का ये मॉल है, और मैं अभी थर्ड फ्लोर में हूँ गाइस। फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन कपड़ों की, और फिर करते हैं आपसे एक नई लोकेशन पे बात। सो गाइस, अभी मैं कैरीफोर मार्केट में एंटर हो चुका हूं, और आपको दिखाते हैं यहां काफ़ी सारे काउंटर्स हैं जो यहां जो लोग शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद बिलिंग कराते हैं। तो काफ़ी सारे यहां पे सेंटर्स हैं।
गाइस, आज हमारा दोस्त एक गाड़ी वॉश करने के लिए एक मशीन लेने आया है, जो कि मैं मशीन इसमें दिखा रहा हूँ। इसकी कीमत समथिंग 765 रुपीज़ है और काफ़ी ज़्यादा इसकी कीमत है। एक गाड़ी वॉश करने के लिए ये काम आता है, देख सकते हैं। रखना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें चार्जिंग में एक भी नहीं है, चार्जिंग वाला ये वाला है। चार्जिंग हमेशा, अच्छा, क्योंकि बैटरी है ना, बैटरी खराब हो गए तो किधर नहीं मिलते है। मिलता है लेकिन 200 बैक एंड कर का सर्विस सेंटर में मिलता है। अच्छा। 200 चार्ज करता है, 200 चार्ज। और यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स वगैरह मिलते हैं, आप देख सकते हैं। इनका कम से कम प्राइस 89 है। ये अपना मशीन है, कटर मशीन, जो अपना जिक्सा इसे बोलते हैं, जिक्सा मशीन। और ये अपना ड्रिल मशीन है, आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग में है। और इसका भी समथिंग, इस ड्रिल मशीन का रेट 179 के आसपास है। ये काफ़ी बड़ा मार्केट है और मैं अभी कैरीपोर के अंदर हूँ और आपको मिल पाते हैं एक डायनासोर से, जो कि यहाँ डायनासोर का एक स्टैचू बना हुआ है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये डायनासोर है, काफ़ी बड़ा डायनासोर है, आप देख सकते हैं। और जो हल्क फिल्म के हीरो हैं उनके पास लेके चलते हैं, उनका भी एक स्टैचू इस मार्केट में बना हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं हल्क के हीरो के पास, जो हल्क फिल्म के हीरो हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। ये इनका काफ़ी बड़ा स्टैचू बना हुआ है और काफ़ी अच्छा मार्केट है। और मैंने यहाँ काफ़ी टाइम लगा दिया और अब इसके बाद चलते हैं और कहीं। आप देख सकते हैं ये डायनासोर है, तो आपको दिखाते हैं ये डायनासोर। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये डायनासोर है और इसकी काफ़ी लंबी गर्दन है। और अभी दिखाते हैं आपको दूसरा एक और, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े जानवर बने हुए हैं यहाँ पे। और डायनासोर के बाजू से स्पाइडरमैन अपने, इनका कुछ अजीब एक्शन है। अभी आपको लेकर चलते हैं हल्क के पास, जो हल्क फिल्म का हीरो है, आपको देखने को मिलेगा। ये आ गए अपने हल्क भैया, आप देख सकते हैं काफ़ी डेंजर किस्म के हैं। और ये डायनासोर आप देख सकते हैं। ये वो शहर है जहाँ मैं रहता हूँ और मुझे ये शहर बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ कभी।